चलो फिर रस्म की शुरुआत करते, और शुरुआत करेंगे आंगरे और ईशानी से। सबसे नया जोड़ा तो यही है ना। चलो आओ। आप इस रस्म का पहला ही रूल भूल रही हैं। मैंने सुना है कि इस रस्म के हिसाब से अगर पति अपनी पत्नी के लिए गलत साइज की चूड़ियां लाए तो आज रात उसे कमरे से बाहर सोने की सजा सुनाई जाती है। ईशानी, ये सब पुरानी बातें हैं बेटा, भूल जाओ। वैसे भी ऐसी गलतियां होती रहती, कोई बात नहीं। अगर सब चीजें रीत रिवाज के हिसाब से हो रही है तो ये रीत भी निभानी ही चाहिए। बात तो तू सही कह रही है, और ऐसा करने से सबकी पोल भी खुल जाएगी कि कौन सा पति अपनी पत्नी को कितनी अच्छी तरह से जानता है। फिर तो एक रात के लिए ही सही, इस सर्वेंट को लात मार के रूम से बाहर फेंकने का ऑफिशियली लाइसेंस मिल जाएगा मुझे, क्योंकि आई एम श्योर कि ये मेरी चूड़ी की साइज नहीं समझ पाएगा। मेरे लिए तुम कांच की चूड़ियां लाया? ईशानी, प्यार से लाया हुआ तोहफा तो सोने से भी ज्यादा खरा होता है। और वैसे भी मैंने सुना है कि इतने शुभ मौके पर कांच की चूड़ियां सबसे ज्यादा शुभ होती है। शाबाश आंगरे, मैं तो पहले करवा चौथ में ही बता दिया कि तू अपनी पत्नी को कितनी अच्छी तरह से जानता है। हाउ इज इट पॉसिबल, इसे मेरा साइज कैसे पता चला? चलिए खोलो। रुद्र, इतने साल हो गए शादी को और अभी तक तुम्हें मेरे कड़े का साइज नहीं पता। मैं नहीं बात करती तुमसे। नाप तो सही था, शायद तुम मोटी हो गई हो। मैं नहीं बात करूंगी तुमसे। क्या हेल्दी? हेल्दी शायद तुम पहले से थोड़ी हेल्दी हो गई हो, है ना? रुद्र तो सही था। हाँ माँ, आज की रात तो तुम्हारी तारे गिनते हुए निकलेगी, क्योंकि रस्म के हिसाब से तुम्हें तो कमरे के बाहर रहना पड़ेगा। तो क्या लगता है साइज सही है? तुम्हें क्या लगता है, रथ या सही तुम्हें जानता हूं या नहीं? वाओ भाई, डायमंड बैंगल्स बहुत खूबसूरत है। भाभी, आपको पसंद आए? हाँ बहुत। मेरे बेटे को खून के आंसू रुला के खुशियां मना रही हुई हारे दिमाग, बहुत जल्द तुम्हारी खुशियों को मैं आग लगा दूंगी। तुम्हारी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। वंश को भी मेरा बैंगल साइज नहीं पता होगा।
इतना भी कच्चा रिश्ता नहीं हमारा रिद्धिमा कि इतनी छोटी सी रस्म में हार जाओ। अपने अतीत से नाता तोड़कर पूरी श्रद्धा से वंश के लिए ये व्रत रखूंगी। पापा इस रस्म की तरह व्रत की सारी रस्में बिना रुकावट पूरी हो जाए और मेरा और वंश का रिश्ता और मजबूत हो जाए। रिद्धिमा, ये तुम्हारी मेहंदी है। कोविड की वजह से मैं प्रोफेशनल मेहंदी वालियों को नहीं बुला पाई, तो इसलिए इस बार सब अपनी अपनी मेहंदी खुद ही लगाएंगे। कोई बात नहीं दादी, मेहंदी बस अच्छी रचनी चाहिए, है ना? अरे सुन, आज लंच के टाइम पर तो तू मार्केट चली गई थी मेहंदी लेने के लिए, और उससे पहले तूने नाश्ता भी नहीं किया। पहले कुछ खा तो ले। एक बार मेहंदी लगा लेती हूँ, फिर वो सूख जाएगी ना, तो उसके बाद मैं खा लूंगी। ठीक। बड़े टाइम के बाद माँ जी मेहंदी लगाने का मौका आया है। हाँ, अरे चंचल, ये तेरे कंधे पे काला काला क्या है? पता नहीं माँ, किसी कंबल का धागा रह गया होगा, पता नहीं क्या है। पर आज सबसे ज्यादा तो रिद्धिमा की मेहंदी का रंग चढ़ेगा। हालांकि करवा चौथ तो कल है, पर इसका व्रत तो आज से ही शुरू हो गया। सुबह से एक दाना नहीं गया इसके मुंह के अंदर। दादी मैं खा लूंगी। पक्का ना? हाँ पक्का। ये तो मेरे लिए लेकर आए हो? हाँ, वो दादी ने कहा था ना तुम सुबह से भूखे। दादी ने कहा वो सुना, लेकिन जिसके लिए तू लाया है वो तो बेचारी मेहंदी लगा रही है। अरे शर्माने की क्या बात है? अब तुझे चोट लगी थी तो वो पूरी रात जागी थी ना तेरे लिए, तू अपने हाथ से उसको खाना नहीं खिला सकता क्या? पति और पत्नी दोनों के फर्ज और हक एक जैसे होने चाहिए। आज तो तुम दोनों को मेरी ही नजर न लग जाए, मैं काजल से टीका लगा देती हूँ। दिखाना अपनी मेहंदी। बस अब मुझे ये देखना है कि मेरा वंश तुझसे कितना प्यार करता है, और वो पता चलेगा तेरे मेहंदी के रंग से। दादी एक बार मेहंदी धोऊंगी ना तो सबसे पहले आपको दिखाने आऊंगी।